हर बार की तरह इस बार भी PSO ड्रीम वर्ल्ड ट्रेजर हंट कार रैली के हैं दो हिस्से। पहला हिस्सा वही है यानी जनरल कार रैली, जिसमें कई सौ गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को छूती हुई अपने अपने चेक पॉइंट पर हाजिरी लगाती हुई पहुंचती हैं ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट। और दूसरा हिस्सा है ट्रेजर हंट का, जिसके लिए हमने चुना है 3 फैमिलीज को। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ओमी और इस वक्त हम मौजूद हैं PSO ड्रीम वर्ल्ड ट्रेजर हंट कार रैली 2012। और इस वक्त बहुत सर्दी है, हम लोग कार रैली में शिरकत के लिए मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जिनके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे और उनसे उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह तैयारी की है। और सर्दी की इतनी शिद्दत है कि मेरे अल्फाज मेरे मुँह से बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। चलते हैं अपनी पहली फैमिली की तरफ और उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी रखी है और क्या सीन ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एजाज। एजाज साहब, टीम लीडर कौन है सबसे पहले ये बताओ। मेरे ख्याल में सभी टीम लीडर हैं। किसी एक टीम के अंदर एक लीडर जरूर होता है। अच्छा, फादर जो है टीम लीडर ही होगा। कि मुझे क्या स्ट्रेटजीज है आज की, कि किस तरह से आप ये विन करना चाहेंगे? कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, पॉइंट सिचुएशंस देखते हुए उसी वक्त जो है प्लान होगा और उसको फॉलो किया जाएगा। नो स्ट्रेटजी। अब चलते हैं अपनी सेकंड टीम की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं इस इवेंट को जीतने के लिए। तो कहाँ है हमारी सेकंड टीम? बोरी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? और जनाब आपका? दानियाल साहब, आप सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपके क्या आज की इस इवेंट को जीतने की स्ट्रेटजीज है, क्योंकि सर्दी बहुत है। सो बोल दीजिए कि काफ़ी सारी मूवीज देखी हुई है जैसे कि नेशनल ट्रेजर वगैरह, तो आइडिया अच्छा खासा है। पहले पार्टिसिपेट पहली बार करें लेकिन होपफुली इंशाल्लाह जीतेंगे, क्योंकि क्लूज वगैरह सॉल्व करने के आइडिया रह चुके हैं, हम लोगों ने पहले ही पार्टिसिपेट किया इवेंट्स में इस तरह के, तो होपफुली जीतेंगे। क्या सोचा हुआ आपने कि क्या नहीं करना आपको और क्या करना है? कोई ऐसा काम नहीं करना नेगेटिव मार्किंग हो, जैसे कि हेल्प का इस्तेमाल करना, कोशिश करने के विद इन टाइम हम लोग अपना कोड को ब्रेक कर लें और क्लूज को जल्द से जल्द सॉल्व करके विद इन स्पीड लिमिट गाड़ी को मेंटेन रखें और इंशाल्लाह जीत करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि टीम में से लीडर कौन है? हम तो उनको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गए। जनाब क्या नाम है? अनवारुल नबी नाम है मेरा। मैम आपका? शाजिया। तो आप बताएं कि आप जैसे कि आप टीम लीडर है बकौल आपके साहब ज़ादों के, तो क्या सीन क्या है यहाँ पे? टीम प्लान किया है कि एक थिंक टैंक बनेगा और एक एक्चुअल हंटर्स बनेंगे, सो इस तरह से काम आसानी से हो जाएगा। वैसे तो ये यंगस्टर्स का काम है। सर पर अगर यू नो एक एक हाथ ना हो ना सीनियर्स का, तो सीन ऑफ हो जाता थोड़ा सा। स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं हम लोग, के एक सीनियर हो जो उनको गाइड करता रहे कि किस तरह से करना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी तरीके से हम लोग अपनी तीसरी टीम की तरफ चलते हैं और उस टीम का एक मेंबर, आई थिंक कौन नहीं जानता उनको, आगे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानता है। उनकी यू नो एक्टिंग के बारे में बड़ा मशहूर है, उनकी स्किट्स के बारे में बड़ा मशहूर है और वो खुद इट्सेल्फ एक सेलिब्रिटी है यार। तो चलते हैं अपनी टीम की तरफ जो कि है सेकंड टीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब इनको तो आप जानते होंगे, फैसल कुरैशी, वन एंड ओनली फैसल। कुछ और नाम बताने वाला था लेकिन आपने फैसल कुरैशी बता दिया। क्या बताने वाले हैं? कसम से मैं कुछ नहीं, मैं कह रहा था मोहम्मद शकूर या मुश्ताक का एक नाम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान। कामरान, और जनाब मेरे कजन हैं और ये मेरी भतीजी हैं माही। जनाब वो मोहतरम आप खुद ही बता दें। मेरा नाम मुज्तबा। क्या सोच के आए हैं आप फिर सबसे पहले? बस जीतने के चक्कर में आए हैं, लालच में। जीतना है सबको। लालच बुरी बला है। बुरी बला है, वो लेनी है। लेकिन इस दफा कुछ प्लानिंग की करके आए हैं पहले से? कुछ सोच के आए? प्लानिंग की तो बर्बाद होगी क्योंकि कभी प्लानिंग काम नहीं करती। क्या करना, क्या सोचा है कि इस जो हंट है, जो ट्रेजर हंट है, इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना? जो नहीं करना है वो हमने सोचा, जो करना है वो हमने नहीं सोचा। वो हम नहीं करेंगे बस। टीम लीडर तो ऑब्वियसली आई थिंक आप ही लग रहे हैं मुझे। अच्छा माही है। इनकी भी फैमिली बड़ी काफ़ी चिल लग रही है और देखते हैं कि क्या सीन है। यार ये तो बड़ी सर्दी हो रही है यार, ये मैं क्या करूँ? ये तो ये देखें जी, ये गाड़ी पे बर्फ भी पड़ गई है। मेरे ख्याल में कराची में पहली बार बर्फ पड़ गई है। ये किसकी गाड़ी है जी? किसकी? ये कौन लोग हैं?
आप लोग कौन है माइंड अगर तो बताएंगे, मतलब एलियंस हैं आप लोग, कहाँ का क्या इसी दुनिया के कौन है आप लोग? हम लोग पहाड़ों से आए, बर्फ के पहाड़ों से निकलते हुए आए एलियन। तो आप तीनों के नाम क्या क्या है? मी आसिया, अब्दुल हकीम, सोनिया, मरियम। ये आप लोगों के नाम तो हमारी दुनिया वाले हैं। हाँ तो क्या किया, आप टीवी चलता है ना वहाँ पे, आपका चैनल आता है। एलियन जो और बर्फ में से निकले तो बाकी ऐसा है, मतलब आप लोग आप सच बता दें मैम, आप देखे मुझे डर लग रहा था कि मेरी टांगे देखें आप रही है बुरी तरह से। एक कॉन्सेप्ट है कि एलियन से ना बर्फ में से निकले, सर्दियों के सीजन है तो वो बर्फ में से निकले हैं। तीनों अवार्ड्स हैं, बेस्ट डेकोरेटेड कार के, विनर के, और बेसिकली बेस्ट लेडी ड्राइवर के, वो सारे के सारे जो है वो आप जीत के जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और अब हम लोग थोड़े बहुत कंटेस्टेंट्स के बारे में हमने बात कर ली है, अब क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब हमें इतनी सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट जो मुझे टीम्स नजर आ रही हैं वो अबव 100 होंगी, आई मीन अबव 100 कार्स होंगी, पर हम लोग चुनिंदा कार्स के बारे कार के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो अब देखता हूँ मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मैं किससे बात करूँ किससे नहीं। और बड़ी मजे की कार सजी हुई है इस इवेंट की जीतने की, आपकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है? जस्ट एंजॉय और फैमिली, जस्ट एंजॉय और सेल्फ ना, यहाँ पर अगर अलोंग विद अगर कुछ छोटा मोटा इनाम मिल जाए तो क्या बात है, दैट्स ग्रेट। लेकिन ये कि यहाँ पर आते देखे ना, लुक एट द पीपल, सर दे आर एंजॉयिंग ईच अदर ना। अच्छा ये पूरे इवेंट्स का ये जो टाइम है, एक घंटे का दो घंटे का, ये मार्वेलस है। इसके बाद हम लोग स्कैटर्ड हो जाएंगे, अपनी अपनी रोडों पर जा रहे होंगे, फिर जाके शाम में क्लब में मिलेंगे, तो यहाँ पर बहुत इंजॉय होता है, इसलिए मैं खासतौर से इस टाइम को मिस नहीं करता कभी। ये क्या जबरदस्त, ये किसकी गाड़ी है, ये किसकी गाड़ी है, नाम मुझे बताएं। सर सलाम अलैकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? तो आपका नाम क्या है सर? हाशिम भाई ये बताएंगे मतलब व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ये क्या आपने तकिया लगाया मतलब यहाँ सोने के लिए कौन आया? सिंपली हम लोग यहाँ पे शादी होने जा रही है, इस गाड़ी की और उस गाड़ी की। तो अच्छा, इस गाड़ी और उस गाड़ी की शादी हो रही है, तो मतलब दिस इज एन ऑटो मैरिज काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, ये देखें जी ऑटो मैरिज हो रही है, जैसे पहुंचेंगे हम लोग शादी कर लेंगे दोनों गाड़ियों। मुझे पता चला है कि भाई ये आगे वाली शादी, आगे वाली कार से शादी होने वाली है, तो ये दुल्हन बनी है जी, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम दोनों एक ही फैमिली से, एक ही फैमिली जी जी जी। ये तो बात हो गया, मुझे ये बताओ कि क्या प्लानिंग है आपकी इस इवेंट को जीतने की? आई थिंक जो क्लूज और जो पजल्स मिलते हैं उसको सेंसिबली सॉल्व करना है, इसलिए बच्चों का बड़ों का दोनों का साथ टीम बनाई है ताकि हर किस्म का फीडबैक मिले, और इंशाल्लाह क्लूज को देखते हुए आगे पहुंचे। शादी का खाना फ्री है, थोड़ा सा तो कर सकते हो ना? नहीं बिल्कुल, शादी का खाना लड़के वालों का है, वली में आप इनवाइटेड हैं। देखते हैं अब क्या सीन है, शायद मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि लोगों के जो दूसरे कंटेस्टेंट है उनको तो डोमिनोज का मिला है, कॉपिन सॉर्म मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला यार? तो जनाब अपनी पहली जो कंटेस्टेंट टीम है उनको अपना पहला क्लू देता हूँ। तो जनाब आप टीम लीडर हैं जैसे कि आपने बोला, तो ये क्लू आपको आपके सेकंड क्लू तक पहुंचाएगा। आपके पास चलते हैं, उनको अपना क्लू देते हैं। तो जनाब आपका ये क्लू है, फर्स्ट क्लू है, और इस क्लू के बिना पर आपको सेकंड क्लू मिलेगा। तो जनाब फैसल भाई ये आपका फर्स्ट क्लू है, हेल्पलाइन भी दी हुई है। पर अगर शायद ये अगर हेल्पलाइन आप यूज करेंगे तो शायद आपका नंबर डेटा खो सकता है। अच्छा ठीक है ठीक है। जनाब हमने टीम्स को उनके क्लूज दे दिए, अब वो जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और फर्स्ट डेस्टिनेशन के बाद वो सेकंड डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। बड़ा बोल बोल के थक गया हूँ, तो आप भी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, मैं भी ब्रेक लेता हूँ। रेड ब्लू और ग्रीन टीम्स को दे दिए गए हैं उनके पहले क्लूज। क्लू पहुंचाएंगे इनको उस पजल की तरफ जो सॉल्व करके वो जान सकेंगे अपनी पहली लोकेशन। जनरल कार रैली में खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को दिया गया है एक नंबर जो आवेजा है हर गाड़ी के बोनट पर। तो जनाब अपनी कुछ टीमों से हमने बात की है, अब चलते हैं इस इवेंट के बारे में कुछ बात करते हैं जो इस इवेंट के मास्टर माइंड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान मोहम्मद खान। इवेंट के बारे में बात करते हैं कि आपने इवेंट जो प्लान किया है क्या सोच के प्लान किया है? एक्चुअली हुआ ये कि इस दफा हमने कुछ थोड़ा सा इसको इस उस पे रखा है कि लेट्स होप इट कुड बिकम लिटिल टफ फॉर दीज पीपल,
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पलाइन यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेगेटिव मार्किंग कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लूज करें, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। दूसरी बात ये है कि हम इनसे पूछते हैं कि क्या गेम प्लान है, मतलब क्या बताएं, मुझे थोड़ी सी हिंट दीजिए, इस क्या क्या गेम होंगे इसके अंदर, क्या क्या आपने सोचा है। एक बुक मिलेगी और उस बुक से ही सारे साइफर को ब्रेक करेंगे, सारे क्लूज को ब्रेक करेंगे। अगर वो ये प्रॉपरली असेस कर सके इनिशियली कि ये एक्चुअली क्या है, अगर नहीं कर सके तो ऑब्वियसली दे विल डेफिनेटली कम बैक टू मी एंड मी और द पर्सन हु इज बिहाइंड द हेल्पलाइन। इस दफ़ा हमने क्लूज ऐसे रखे हैं कि जिसको इन्होंने सिवाय दो इनिशियल क्लूज के बाकी सारे के जिसको इन्होंने ये हाथ ही नहीं लगा सकते। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल शो इज के ये इनको भी नहीं पता चलेगा कि जो ट्रेजर है वो उनके साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब ये बात सिर्फ मुझे, आपको और आपको, आपको नहीं कैमरे के पीछे जो है साहब, उनको पता है। तीनों टीमें पहुंच गई बड़ी होशियारी से इस नतीजे पर कि क्लू में दिया गया नंबर है दर हकीकत गाड़ी का नंबर। तीनों टीमों ने निकाल लिया वो पजल जो उनको देगा पता पहली मंजिल का। देखते हैं कौन करता है पहले हल। हर टीम ने कोडेड क्लू और क्लू बुक की मदद से पता करना है अपनी अगली लोकेशन का नाम। क्लू में दिए गए तीन नंबर्स का हर सेट का पहला नंबर बताता है पेज नंबर, दूसरा आइटम नंबर और तीसरा अल्फाबेट। मसलन अगर कोड है 3 15 7 तो इसमें 3 है पेज, 15 आइटम और 7 अल्फाबेट। वो सॉरी मैं जरा सो गया था। वो क्या 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 हो रहा है जी? ये कार रैली आप देख रहे हैं कि ये जो है वो फुल गहमा गहमी का सीन हो रहा है और यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ बहुत सारी आ चुकी है। मैं गाड़ियों की तरफ जा रहा हूँ, बेसिकली नींद मुझे काफ़ी आ रही है लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ गाड़ियों की तरफ। ये देखें और व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जो है ना निकलने को बिल्कुल, एक मिनट जी, गाड़ियाँ जो है निकलने को बिल्कुल तैयार है, रैली बिल्कुल मतलब स्टार्ट होने वाली है। हिल पार्क से अब रवाना हो रही है जनरल कार रैली की गाड़ियों का सैलाब, रवा दवा है अपनी मंजिलों की जाने।
कुछ नंबर कंटेन इत्तेहाद पे होगा, शुरू में अच्छा शुरू में होगा, सिग्नल के पास आते हैं, सिग्नल के पास ही है। हर में तीन नंबर है जैसे कि 3, 12, 7 फर्स्ट नंबर इज पेज नंबर जहाँ से चल सेकंड नंबर पहुँचे वहाँ से आइटम नंबर सेकंड नंबर इज आइटम नंबर पहुंच गई है ग्रीन टीम अपनी पहली लोकेशन खयाबाने इत्तेहाद शोरूम एस स्टाइल पर। और हमें शाही की शॉप पे आना है, वहाँ पे नेक्स्ट टाइम मिलेगा। स्विफ्ट लियाना कल्टस है सुजुकी के कार मॉडल और नंबरों की सीरीज के सेट को सॉल्व करने से पता चला है मार्गला का, जिससे ग्रीन टीम को पता चला इनका अगला स्टॉप है मार्गला मोटर्स। निकल चुकी है ग्रीन टीम अपनी पहली लोकेशन से, लेकिन रेड और ब्लू टीम अभी तक रास्ते में ही है। नहीं, मेन रोड पर ही है, मैंने देखा है उसका स्टाइल का बना हुआ पूरा, वो यहीं कहीं है। अरे पूरी दीवार पे स्टाइल का बना हुआ है वो। ब्लू टीम लड़ा रही है बहुत जोर पजल हल करने में, थोड़ा जल्दी करो भाई, जल्दी करो, पहले हमें वो तो पता चले ना कि हमें पहुंचना कहाँ है। मार्गला मोटर, चलो चलो मार्गला मोटर बता, चलो चलो कहाँ है स्टाइल चार्ज। हाँ हाँ, किस सिर्फ इत्तेहाद पे। जी जनाब, फाइनली तीनों टीम्स अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ रवा दवा है, और अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन जैसा कि मैंने बताया आपको जो कि एस स्टाइल थी, वहां से अपनी निकल चुकी हैं, और देखते हैं कि अपनी सेकंड डेस्टिनेशन जो कि है मंगला मोटर्स, वो उस शॉप पे सबसे पहले कौन पहुंचता। इतना आसान नहीं सही लोकेशन पर पहुंचना, रेड टीम जरा भटक गई है अपने रूट से, अब देखते हैं आगे होता है क्या। बिल्कुल
60 पे पीछे रखिएगा वो। ये जरूर दिखाना यार। फाइनली पहली टीम मरगला मोटर्स तक पहुंच चुकी है और अपनी मंदिर की तरफ रवाना दवाना है और वो क्लू ढूंढने में बड़े मशगूल हैं। और क्योंकि मुझे भी लिफ्ट नहीं करा रहे, काफी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनसे कुछ बात करूँ, पर फैसल भाई अपने सामने किसी को बोलने कहाँ देते हैं, इसी तरीके से मुझे भी बोलने नहीं दे रहे। बाबा आपकी आवाज सुनो, क्या कह रहे हो? कौन ब्लू टीम को बताए मरगला मोटर्स यहाँ नहीं, इसीलिए शायद बड़ों ने कहा है नीम हकीम खतरा जान। ऐसा है वो बहुत सारे शोरूम क्या कहते हैं खरीदने वाली वहाँ तो इस तरह कुछ भी नहीं है। आजे आजे मुझे फैसल भाई। अब हम लोग मरगला मोटर्स के अंदर हैं और पहली टीम जैसे मैंने बताया फैसल कुरैशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुसलसल अपनी क्लूज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि क्या सीन है क्या नहीं सीन है। तो आई थिंक हमें वहाँ अंदर चलना चाहिए कि नहीं, चलिए चल लेते हैं बात करते हैं। अभी फैसल भाई जैसे कि लीड कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भी लीड कर रही है। फैसल भाई ऊपर से नोटिस कर रहे हैं। फैसल भाई बताएं कि क्या 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 सीन है। तस्वीर खिंचवा रहे हैं अभी हम। ओके तस्वीर खिंचवा रहे हैं अभी। नहीं, फॉर्मूला समझ आ गया, बस अब देखना है अगला क्या फॉर्मूला है, क्योंकि मुझे भी बताया फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको अगर समझाने में लग गए तो फिर हमारा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हम भी तो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा सीन ये है कि हम लोग डी कोड कर रहे हैं, इन्होंने जो कोड लगाया है, और देखने की कोशिश करना है कि अब हमें नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, तो वो अभी हम फिगर आउट करेंगे। फर्स्ट डेस्टिनेशन कैसी रही हमने? फर्स्ट डेस्टिनेशन बिल्कुल ठीक रही, हम लोग उसमें स्टार बुलाए थे, हम लोगों को डर लग रहा था कि शायद ये कोई गड़बड़ है, लेकिन पता चला कि कोई मसला नहीं। और हेल्पलाइन यूज़ की? हेल्पलाइन हमने यूज़ की जी बिल्कुल की दो दफ़ा। और सेकंड में? अच्छा दो बार यूज़ किया। हाँ दो बार यूज़ किया, लेकिन हम पहुँच गए थे कि हमें कन्फर्मेशन के लिए कितनी दूर हमने आना था यहाँ, तो हमने कहा कि ये ना होना कि हम यहाँ पहुँचे। सेकंड डेस्टिनेशन में कोई सीन ऑफ हो रहा है कि मतलब हेल्पलाइन यूज़ करेंगे? देखते अभी पता चलता है, मेरा ख्याल है कर ली जाए तो बेहतर है। बड़े कॉन्फिडेंट सीन है भाई यहाँ पे, तो मुझे मतलब वो हो रही थोड़ी सी, चलो हो जाऊंगा यार। उसी पे मिलेगा उसी उसी भाई आपको जाके ना राइट स्टॉक एक्सचेंज है जी बिल्कुल, उस गली में पीछे बैठे ड्रा कर जाएंगे। कितने किलोमीटर है? होगा मेरे ख्याल में ये है यहाँ से होगा 10-12 किलोमीटर होगा, 10-12। अब दुआ करेंगे वही मार मिला हो। टाइम का प्रोग्राम था की मोटर्स का मोनोग्राम था वहाँ पे, ठीक है, मतलब लिखा हुआ था सिर्फ तारीख निकलता, जैसे इत्तेहाद निकला था तो हम खयाबान इत्तेहाद हम इस स्टाइल पे गए, ये इस तरह से ढूंढा था। थ्री डी तस्वीर खींचनी आपको याद से। अच्छा 5704E3E7 का पहला हाँ जी अजीब वो गरीब बन रहा है, समझ नहीं आ रहा। ऊपर का क्या है ये जो है NIM? स्टार क्यू मिसिंग तो नहीं है? रिकॉर्ड है कहाँ पे? रिकॉर्ड दो जगह पता है, हिल पार्क में और ड्रीम वर्ल्ड में। हेल्पलाइन को फोन करें कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा जी ड्रीम वर्ल्ड वाला जी उसका मतलब है कि बहुत सारे हाँ भागे भागे
उन्होंने अपनी पहुंच ली, उनके बात करते हैं, मुझे मौका तो देंगे नहीं बोलने का, पर भी मैं ऐसा हूँ कि अगर उनसे बात करूंगा क्या सीन है क्या नहीं। जी ना, क्लू मिला, क्या सीन मिला? अच्छा क्या मिला है? नहीं नहीं, हम लोग रह जाएंगे ना, बिजली बताओ। अब हम जा रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड, मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, यही है नहीं, वहीं पे चलते हैं। देख हो सकता है मार्गल हो, लेकिन वो सुजुकी का ही, ये भी हो सकता है ना, कनेक्शन है। तारीख पूरा नहीं बनाया हम लोगों ने, पूरे लेटर नहीं काउंट, रानिल पूरे लेटर काउंट नहीं किए थे ना। डिफिकल्ट, बहुत टफ है इस दफा, वेरी टफ। बिल आखिर ब्लू टीम पहुंच ही गई अपनी डेस्टिनेशन मार्गला मोटर्स पर। देर आए दुरुस्त आए, फाइनली दूसरी टीम भी पहुंच चुकी है और काफी देर के बाद, ऑलमोस्ट 20 मिनट के बाद, 20-25 मिनट के बाद फाइनली पहुंच चुकी है और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और देखते हैं कि सेकंड टीम अपनी किस तरह से खोज करते हैं ट्रेजर के बारे में और अपने सॉरी क्लू के बारे में और अंदर चल के देखते हैं कि क्या सीन है उनका। यार पहुंचे आपको ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए, आपसे पहले फैसल कुरैशी आ चुका है, फिर एक टीम आ चुकी है, तो क्या कुछ हेल्प चाहिए? सब स्मार्ट है यार मेरे अलावा। टायर के अंदर क्यों नहीं देख सकती हूँ? शायद टायर के अंदर हो, कह रहा हूँ टायर में देखो, टायर में देखो, सुनता ही नहीं है मेरी यार, मुझे पता है। और भी है जमाने में दुख मोहब्बत के सिवा, बात मान रहा बीबी? मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, वो मैं मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, मैंने मगरी में ये बोलता कि स्क्रू खुल के। अब तीसरी टीम भी पहुंच चुकी है और देखते हैं कि क्या सीन है उनका। मेरा दुरुस्त आए जी, कोई क्या सीन है? बड़ी देर पहुंच गए थे, आधा घंटा हो गया आपको लेट हो गया। हाल टाइम में प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, उस स्टाइल में। अच्छा स्टाइल ही मिल रहा था, तो आप पहले दो टीमें यहां पे पहुंच चुकी हैं, पहले फैसल तो सबसे पहले निकल चुके हैं। कोई बात नहीं, हम यहां का क्लू सॉल्व करके आगे जाते हैं, देखते कहीं ना कहीं कोई ओवरलैप करेगा, हम ओवरकम कर लेंगे। बस अपना करना, थैंक यू। ब्लू टीम के सामने खतरे की घंटी बज चुकी क्योंकि रेड टीम भी मौजूद है अब मार्गला मोटर्स पर। खैर समझी उन्होंने अपनी हेल्पलाइन इस्तेमाल करने में। स्विफ्ट के अंदर नहीं मिल रहा है, सारी स्विफ्ट के जनाब काफी मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं लोग, एक एक गाड़ी खोल रहे हैं, एक एक गाड़ी के टायर चेक कर रहे हैं, आप देखते हैं कि कितनी जिद्दोजहद के बाद अपनी 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 अपने नेक्स्ट क्लू देखते हैं और नेक्स्ट क्लू तक पहुंचते हैं। हम भी इनके साथ खड़े हुए हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कितनी मेहनत के साथ वर्क कर रहे हैं। पहली टीम ने तो बड़ी चुटकी में खेल लिया था, जीनियस है तभी तो वो एक एक्टर, अब देखते हैं इनकी बारी है। मिल गया तुम्हें? हाँ मिल गया, बस जल्दी सॉफ्ट लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी निकालो। क्या है भाई? एस एस सैफ्रन। चलो चलो तुम करते हो, पानी भी हो सकता है। आर सैफ्रन, सैफ्रन है यार, अरे भाई नई गाड़ी है जरा ख्याल से। कहाँ जा रहे हो, डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारी?
और सैफ्रॉन। हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। अब डोमिनो पहुंचना है इनकी हिदायत के मुताबिक, उसके बाद फिर जो क्लू सॉल्व हुआ है उसके मुताबिक फिर हम अपने ड्रीम वर्ल्ड का जो टारगेट है उसको डोमिनो पे खाना खाएंगे जो है वो डोमिनो के बारे। चलो ठीक है। पेट्रोल नहीं खुला है? कुछ भी नहीं। मगला मोटर नहीं लेकिन मेरा नहीं टाइम हो गया हमारा जी। चलना सही है बोनट के ऊपर जाली के अंदर साइड में ही नहीं वो लेट के देख ले रहे हैं। चलो चलो देखो नीचे से नीचे लेट जाओ और देख लो। फाइनली जो थर्ड टीम की उनको क्लू मिल गया है और उन्होंने एक लाइफ लाइन इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से उनके 20 मार्क्स ऑलमोस्ट 20 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। अब देखते हैं वो किस तरह सॉल्व कर रहे हैं और मैं तो यूज करने के लिए आ रहा हूं जनाब। भाई कोई प्रॉब्लम हो रही है? कोई हेल्प चाहिए? कितने जतन करने पड़ते हैं यार यहाँ पे एक ट्रेजर के लिए। देख रहे गाड़ी के अंदर घुस गए। लाइफ लाइन उन्होंने यूज किया और वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हैं और जो ओपन था क्लू था वो समझ में आ गया वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं। तंबोला ये ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जो बड़ा जो स्विमिंग पूल है वहां पे। ओके भाग गया इंडिया अभी। डबल आजमाइश पहले ही लेट और अब गाड़ी के नखरे। फाइनली टीनो टीम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुकी है और हम भी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन शायद डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो थोड़ी सी भूख लगी तो सीन ऑन करते हैं वहाँ पे अपना कुछ खाते हैं। अभी कुछ खाए हैं थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। हाँ भी दीजिए थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है खाने के लिए। जब हो पिज्जा की बात तो किसको न लगे भूख। तीनों टीमें अब रवा दवा है डोमिनोज पिज्जा। मजा आ रहा है, तो भी मजा आ रहा है। ये फैसल भाई लगता है मुझे उनकी पार्टी में चले गए क्योंकि अभी होस्ट ये ज्यादा साउंड कर रहे हैं कि आपको मजा आ रहा है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। हम लोग जो हैं अब वो डोमिनोज हैदराबाद के अंदर जा रहे हैं और आपको पता है डोमिनोज का नाम सुनते ही जो है वो बंदे को फौरन भूख लग जाती है और मुझे भी अच्छी खासी भूख लग रही है, मेरी टीम को भी अच्छी खासी भूख लग रही है। लेकिन खैर आफ्टर ऑल कार रैली ख़त्म होने से पहले पहले हमें खाना नहीं मिलेगा और जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि वो खूब पिज़्ज़ा के मज़े उड़ा रहे हैं। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अरे गाड़ियों के मेकअप ने तो ख़वातीन को भी मात दे दी। हमें यकीन है कि खजाने में जो है ना किचन है, डायरीज है, फ्री कैलेंडर है, एक पेन है, घड़ी होगी जिसपे लोगो लगा होगा, एक एक दिन की सीएनजी पेन होगा, सीएनजी भी दे देंगे, पीएसओ है, टाइल्स है, घर में टाइल लगा देंगे। मेरा डोमिनोज ये आ गया।
व्यूअर्स, हम लोग अपने नेक्स्ट चेक पॉइंट जो है डोमिनोज गुलशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहां पे आप देख रहे हैं जैसा कि एक ड्रीम वर्ल्ड के एक मेंबर हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी को इस तरह से डेकोरेट किया है आज के दिन। गाड़ी नंबर 103 है, आई एम श्योर इनको बेस्ट डेकोरेटेड कार का अवार्ड जो है वो इन्हीं को मिलेगा। लेट्स सी इन द रिजल्ट्स इन द सेरेमनी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सादी है, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा सर, मौसम तो काफ़ी अच्छा है सर, धूप भी काफ़ी निकली है, उसके साथ में सर्दी हो तो वो कुछ और ही मज़ा देती है। अच्छा सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक ड्रीम वर्ल्ड की रैली में? ड्रीम वर्ल्ड की रैली में तकरीबन हम हर साल इसमें शरीक होते हैं, इस साल इन्होंने जो क्लूज दिए हैं वो ज़रा मुश्किल थे, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ी घूमे फिरे, लेकिन ये कि बहरहाल फिर रास्ते पे आ गए और अब पहुँचते हैं अपनी मंजिल पर। अच्छा सर, अभी तक ये जो है आप लोगों को जो पजल्स वगैरह आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या आर यू जस्ट ड्राइविंग और पजल्स वगैरह भी सॉल्व कर रहे हैं साथ में, या पजल जो है फैमिली सॉल्व कर रही है और आप जो है वो सिर्फ ड्राइविंग का काम कर रहे हैं? यहाँ पे टीम वर्क है, एक नेविगेशन कर रहा है, एक ड्राइविंग कर रहा है, एक पजल सॉल्व कर रहा है, तो ये टीम वर्क हम लोगों ने किया हुआ है। हिल पार्क से रिपोर्ट ये है कि गाड़ियाँ 200 से ऊपर रजिस्टर हुई हैं और 150 गाड़ियाँ जो हैं अभी तक इस चेक पॉइंट से गुजर चुकी हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इस रैली का एक्शन एनर्जी जो है किसी जरूरत भी नीचे नहीं आएगा और वो नीचे नहीं आ रहा। जल्दी से हमें कुछ खाने को दे दो, ये मैंने कहा था शुरू में संभाल के रखो, तुम दोनों को मैंने किसके रखा हुआ। अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट। तो जहाँ तक अपना खाने की बात है, फाइनली मैंने ना खा लिया, मैंने पेट पूजा कर लिया बिल्कुल, और मैंने डोमिनोज का पिज्जा खाया है, उसके जरा थोड़ा सा फ्रेशअप भी हुए और थोड़ी सी सुस्ती भी आ गई क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ही हैवी था और बहुत ही डिलीशियस था, तो सोचा मैं एक के बजाय दो खा लूँ तो खा लिया। और अब जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि जो कंटेस्टेंट्स हैं वो अभी क्या तैयारियाँ कर रहे हैं और कहाँ तक वो पहुँचे हैं। शायद मैं उनसे लेट तो नहीं हो गया, मे बी शायद लेट हो चुका हूँ। मिनी गोल्फ का फैसल भाई है, 9 अंडर पार होता क्या है? वो हाँ वो तो फैसल भाई कर ही लेते हैं, 9 अंडर पार। ड्रीम वर्ल्ड पहुंच गई है ग्रीन टीम सबसे पहले, लेकिन बहुत सा एक्शन बाकी है, मुकाबला खत्म नहीं हुआ। सर क्या नाम है आपका? फहद भाई, अभी तक आपका कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस इसमें रैली के अंदर? बहुत मजा आया, एंजॉय किया, काफी लंबा ट्रिप था इस दफा। पहुंच चुकी है ट्रेजर हंट कार रैली की तीनों टीमें ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट, और जनरल कार रैली की सैकड़ों गाड़ियों की भी आमद हो चुकी है। अब होगा ट्रेजर हंट का कांटेदार मुकाबला ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट पर। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच फुल एक्शन एडवेंचर इन द नेक्स्ट एपिसोड।